हमारी मौजूदगी इस वक्त उस गांव में है जिस गांव में भेड़िये ने बीती रात दस्तक दी है। मेरे ठीक पीछे उस 9 वर्षीय बालक का घर है जिसका नाम पारस है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मौत जिंदगी के बीच में वो झेल रहा है क्योंकि भेड़िये ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। और जैसा हमको सूचना प्राप्त हो रही है कि यहाँ के लोगों ने देखा उस खूंखार भेड़ियों को, वो भेड़िया उस बच्चे की गर्दन को अपना निशाना बनाए हुए था। सौभाग्य उस बच्चे का ये रहा, उस बच्चे के बीच में 14 लोग सो रहे थे, सब उसके साथ उसकी माँ भी सो रही थी और शायद यही वो कारण है कि वो बच्चा बच गया। 14 लोगों में से जब लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, शोर किया, तो वो भेड़िया भाग खड़ा हुआ। इसी रास्ते से होते हुए वो भेड़िया उस चारपाई के पास पहुंचा। इसी चारपाई के ऊपर बच्चे की माँ और बच्चा पारस सो रहा था। भेड़िया दबे पांव आता है यहाँ से, मैं उसका निशान भी आपको दिखाऊंगा। वो जो भेड़िया है ये उसके पंजे के निशान है, यहाँ पर उसने छीना झपटी की है और अपना पंजा चलाया है। देख लीजिए किस तरह से उसने ये पंजा चलाया है कि मिट्टी तक वहाँ से खुरच गई है। उसके बाद भेड़िये ने बच्चे की गर्दन के ऊपर अटैक किया है। उतने में यहाँ पर 8-10 लोग सो रहे थे, लोगों ने हल्ला मचाया है, शोर किया है। शोर करने के बाद वो भेड़िया यहाँ से 9-2-11 हो गया। यहाँ पर उस बच्चे की मौसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बच्चे का ननिहाल है, यहाँ पर वो तेरे ही कार्यक्रम में आया था, उसकी मौसी भी मौजूद हैं। हम उससे जानेंगे आपको देखा हाल। क्या नाम है आपका? बोलू। क्या हुआ था कल रात को, कितने बजे? वो भेड़िया तो कोई देख नहीं पे इसकी किलंग से तिया हुआ है, बस पारस के गर्दन पकड़ ली से, जब तो पारस खटिया पकड़ ली, तो जब खटिया हुई पकड़ ली तो जब पारस हाथ झटकिन बस तैसे उनके मजाक पड़ी, तब जब भेड़िया के मारी ने तब वो भाग है, तब चिल्लानी है तो सब कोई जागा है, तो लुल्हुए ने तो जब बाहर गए देखें तो मर हबई नहीं करे, भाग गो, पता नहीं कैसे। किस जगह पारस को पकड़ रखा था उस भेड़िए ने? यह जगह पकड़ी से है। कहाँ पर? यहाँ गर्दनी पकड़ी से है। खून ज्यादा निकल रहा था? हाँ, खून बहुत निकल रहा था। मैं कहूँगा कि ये दिखा दें, ये जो ब्लड लगा हुआ, ये खून किसका है? वो है क्या है? ये ब्लड पारस का है, पारस के जो गर्दन से ब्लड निकल रहा था। ये उनकी मौसी हैं, जब इन्होंने उठाया है तो ये ब्लड इनके कंधों पर भी लग गया है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये प्रधानमंत्री ग्राम आवास का मिला हुआ घर है, इसमें दरवाजे नहीं लगे हुए हैं और 2 कमरे का ये मकान है और ये फूस बना हुआ है क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी भीषण हो रही है, भयंकर हो रही है, इस वजह से लोग बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग छत के ऊपर भी सो रहे थे, जिसका फ़ायदा उठाकर भेड़िया इसी रास्ते से अंदर घुसा है और पारस के ऊपर हमला किया है। मैं इसके पारस के घर के ठीक पीछे अगर आप बात करें तो इस गन्ने के खेत हैं, धान के खेत हैं, और जिसका फ़ायदा उठाकर भेड़िया आया है और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।